एक तो पूरा दिन जाम रहा, बारिश हुआ, कहाँ पे आए हैं आप लोग? हम लोग बिहार शरीफ नालंदा आए हैं बीपीएससी तैयारी का एग्जाम देने के लिए। क्या व्यवस्था यहाँ देखे आप लोग? व्यवस्था तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा कमी लगा, सड़क भी थोड़ा ठीक नहीं था। हम लोग का सेंटर बहुत अंदर में था, कुछ ऐसा व्यवस्था उतने ढंग से नहीं मिला। रहने के लिए आप लोग कहाँ जगह ढूंढे? ऐसे हम होटल में देखे तो कहीं भी सीट बुक सब पहले से बुकिंग हो चुकी है, कहीं पे कोई जगह नहीं है। फिर मनमानता अमाउंट भी रखा गया है, इसलिए हम लोग अभी स्टेशन पे आके रुके हुए हैं। अच्छा, बारिश का समय है, ऐसे में आप लोग को कैसा झेलना पड़ रहा है यहाँ पे? क्या बारिश का समय होने की वजह से, बारिश भी हो रही लगातार, तो ऐसे में कैसा अनुभव हो रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है, लग रहा है चलो एग्जाम दे पाए, दे दिए ना। ये बताइए कि आपका एग्जाम खत्म हो गया कि कल भी एग्जाम है? नहीं, कल भी एग्जाम है। तो रात भर आप कैसे रहेंगे? आप रात भर यहाँ से तो ट्रेन आएगी तो चले जाएंगे घर, फिर आएंगे कल सुबह में। अच्छा, रात में चले जाएंगे सुबह में। नाम आपका? मेरा नाम अंजलि भारती। बताइएगा यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों के लिए। बारिश में काफी देर तक भीगने के बाद यहाँ पे बैठना पड़ा है और ट्रेन का वेट करना पड़ा है। यहाँ बैठने तक की व्यवस्था भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग तो ऐसे ही चाट बिछा बिछा कर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। रात यही गुजारनी है, कल सुबह फिर मतलब एग्जाम सेंटर पर पहुँचना है। ये सरकार जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम ले रही है, ये चाहती थी एक शिफ्ट में भी हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर सरकार चाहती तो एक हम लोग का जो दो पेपर दो दिन में क्या करवाया गया है वो एक दिन में दोनों पेपर क्लियर कर दिया कर दे सकती थी, लेकिन ये दो दिन में होने के कारण हम लोग को डबल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता रानी है, पटना से। किस चीज के लिए आए सर? हम लोग आए हैं टीचर का पेपर देने के लिए यहाँ पे, लेकिन देख लीजिए कैसा व्यवस्था है यहाँ पे और कैसे हम लोग रह रहे हैं। बारिश का मौसम है और परेशानी तो हो ही रही है। इन लोगों को पेपर एक दिन का कराना चाहिए, ये लोग दो दिन रख दिए हैं। लड़का है लड़कियां हैं, कितना परेशानी होगी समझते ही होंगे। यहाँ बैठे हैं, सोने के लिए भी जगह नहीं है। देख लीजिए पूरे चारों तरफ क्या माहौल बना है। तो आप लोग रात भर स्टेशन पे ही रहेंगे? कहाँ रहेंगे, यहाँ होटल भी नहीं मिल रहा है, होटल फुल हो गया है पूरा। कहाँ रहेंगे हम लोग, गए हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, ना खाने की व्यवस्था है यहाँ पे ना कुछ है, ऐसा जगह भेज दिया है। बिहार का कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? हमारा यूपी से, गाजीपुर से हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश से। सोचिए यही है, ऐसा व्यवस्था हम लोग कभी आज तक पेपर में नहीं देखे हैं। पूरा यूपी भर में कई पेपर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? ये स्टेशन है, इसे लग रहा है कि पानी बरस रहा है तो सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। यही स्टेशन है, ऐसा होना चाहिए बिहार में स्टेशन। नीतीश जी का गृह जिला है, मुख्यमंत्री का जिला। क्या मुख्यमंत्री का गृह जिला ही है? अच्छा, ये गृह जिला है, हमको पता नहीं था, हमको पता चला है। बाप रे बाप, ऐसा जिला होता है, वो गृह जिला है। कम से कम इसको भी तो बना देना चाहिए, इससे सब तो गाजीपुर मनोज सिन्हा बनवा दिए हैं। जाइए वहाँ पे, छोटा सा स्टेशन देखिए गाजीपुर का, छोटा सा गांव का, उसको बताइए कैसा हाल है वहाँ का। यहाँ पे क्या है? मेरा नाम सतीश चंद्र है।
यूपी से आए हैं। यूपी से हैं पूरे बच्चे, यहाँ यूपी के।